दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हॉस्पिटल से संबंधित सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज का वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो बहुत सारी जानकारी एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। तो समझ लीजिए आज आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ, नई नई बातें बताने वाला हूँ। तो मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर एक बार देखना। और अगर आप लोगों के सारे दोस्त मेडिकल के छात्र में, मेडिकल के फील्ड में अगर कोई भी होगा तो ज़रूर उनके पास इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर हो जाएगा और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिकल के टर्म के बारे में यहाँ पर भी बताऊँगा आपको। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए कुछ यहां पर आपको हॉस्पिटल से संबंधित बीमारियों के बारे में यहां पर आपको बताऊंगा, जैसे कि एनल्जेसिक क्या होता है, अर्थराल्जिया क्या होता है, सेफाल्जिया क्या होता है, नेफ्राल्जिया क्या होता है, न्यूराल्जिया क्या होता है, और ऐसे ही देखिए मायाल्जिया क्या होता है, ओटाल्जिया क्या होता है, जेस्ट्राल्जिया क्या होता है, गैस्ट्राल्जिया जिसको बोलते हैं, डिसमेनेरिया क्या होता है, पायोडर्मा क्या होता है, ऐसे ऐसे मेडिकल के ये सारे टर्म होते हैं। और इतना ही नहीं अभी देखिए और भी बहुत सारे टर्म हैं, जैसे कि ल्यूकोडर्मा क्या होता है, हिस्टोरिगिनी क्या होता है, उसके बाद हाइट्रोहेक्टोमी क्या होता है, उसके बाद नेफ्रेक्टेमी क्या होता है, उसके बाद कोलेस्ट्रेमी क्या होता है, अर्थराइटिस क्या होता है, ऐसे ही देखिए अभी और भी टर्म आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे क्या बताने वाले हैं, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, कार्डियाटिक्स क्या होता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं जो कि इनका क्या मतलब होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, अगर आपके पास ऐसे टर्म आते हैं कि एनल्गेसिक का मतलब क्या होता है, या फिर मान लीजिए गैस्ट्रालजिया का मतलब क्या होता है, अर्थराल्जिया का मतलब क्या होता है, सेफाल्जिया का मतलब क्या होता है, नेफ्राल, ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारे टर्म पता ही रहना चाहिए। और मेरा गारंटी है अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बारे में ए टू जेड हर एक बात पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, इतना तो गारंटी लेता हूँ। बस कोशिश करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बस इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले समझते हैं एनल्गेसिक, अर्थराल्जिया, सेफाल्जिया, नेफ्राल्जिया, न्यूराल्जिया, सारी बातों को समझते हुए हम लोग चलते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है एनल्जेसिक। एनल्जेसिक का मतलब क्या होता है, विच मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेन दैट इज कॉल्ड एज एनल्जेसिक मेडिसिन। एनल्जेसिक अगर कहीं भी लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि एनल्जेसिक दवाइयाँ वह दवाइयाँ होती हैं जो कि दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है और उसको एनल्जेसिक मेडिसिन कहा जाता है। पैरासीटामॉल क्या होता है, पैरासीटामॉल में भी एनल्जेसिक पाया जाता है जो कि हमारे दर्द को और पेन को, दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों एनल्जेसिक मेडिसिन। उसी तरह से हम बात करते हैं अर्थराल्जिया क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, थोड़े से इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये छोटा हो जाता है तो ठीक है, बस छोटा भी हो गया ठीक। आइए बात करते हैं अर्थराल्जिया के बारे में, अर्थराल्जिया क्या होता है, अर्थराल्जिया का मतलब होता है पेन इन ज्वाइंट इज कॉल्ड एज अर्थराल्जिया, मतलब हड्डियों के जोड़ों में जो दर्द होता है उस दर्द को बोला जाता है अर्थराल्जिया। अब क्या लोग समझेंगे अर्थराल्जिया का मतलब क्या होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है मीन्स अर्थराल्जिया हुआ है, तो अर्थराल्जिया बोलते हैं जोड़े में दर्द को। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो इस तरह से मेडिकल के टर्म होते हैं जो कि आप सभी लोगों को ये सारे टर्म पता रहना चाहिए, इसीलिए मैं सारे टर्म को एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा जिससे कभी भी आपको एक भी पॉइंट का कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले टर्म के बारे में, जैसे कि सेफाल्जिया। अब ये क्या होता है सेफाल्जिया, सेफाल्जिया का मतलब होता है एक टर्मिनोलॉजी, हेडेक इज कॉल्ड एज सेफाल्जिया, मतलब अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है जिसको बोलते हैं हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, तो इस पेन को बोलते हैं सेफाल्जिया। समझ में आया ना आप लोगों को, तो इसको बोलते हैं सेफाल्जिया, सर के दर्द को। आई होप आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तक आप लोगों को एनल्जेसिक के बारे में बताएं जो कि पेन को बोलते हैं, कि शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको बोलते हैं, उसके बाद आप लोगों को जोड़ों के दर्द को क्या बोलते हैं, जोड़ों के दर्द को अर्थराल्जिया बोलते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, सेफाल्जिया के बारे में। सेफाल्जिया का मतलब होता है कि अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को सेफाल्जिया बोला जाता है, और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी को बोलते हैं कि इनको नेफ्राल्जिया हुआ है तो नेफ्राल्जिया का मतलब क्या होता है, नेफ्राल्जिया का मतलब होता है पेन इन किडनी, तो अगर किसी के किडनी में दर्द हो रहा है या फिर किडनी स्टोन पेन हो रहा है, तो किडनी में किसी भी वजह से दर्द हो रहा है तो उस दर्द को बोला जाता है नेफ्राल्जिया, तो किडनी के दर्द को नेफ्राल्जिया बोला जाता है। बस समझ में आया ना आप लोगों को। और सर में दर्द हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना।
चलिए दोस्तों इसी तरह से हम बात करते हैं न्यूरालजिया के बारे में। अब न्यूरालजिया का मतलब क्या होता है, न्यूरालजिया होता क्या है, पेन इन नर्व इज कॉल्ड एज न्यूरालजिया। इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी के नर्व में पेन हो रहा है, नर्व का मतलब क्या होता है, नस, तो अगर किसी के नर्व में पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्व, सॉरी वेनस का मतलब होता है नस। तो अगर किसी को नर्व का दर्द हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में दर्द हो रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूरालजिया। बात समझ में आया ना आप लोगों को। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं मायल्जिया। अब ये क्या होता है, मायल्जिया का मतलब क्या होता है, पेन इन मसल्स इज कॉल्ड एज मायल्जिया। और मसल्स के पेन को क्या बोलते हैं, मांसपेशीय के दर्द को क्या बोलते हैं, मायल्जिया बोला जाता है। ऐसे ऐसे देखिए टर्म होता है जिसका केवल आप शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ये दवा दे दीजिए, मांसपेशियों में ये फोन आता है। लेकिन आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिकल का टर्मिनोलॉजी तो पता ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेडिकल का टर्म नहीं पता रहेगा तो ये तो आम जनता भी जानते हैं कि हाँ मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो ये दवा खाना है, इस एरिया में दर्द हो रहा है तो ये दवा खाना है। तो ये आम टर्म हमें नहीं जानना है, हमें मेडिकल का टर्म पता रहना चाहिए। और जब हमें मेडिकल का टर्म पता चल जाएगा तो कोई भी वर्ड बोले, आर्थ्रालजिया, न्यूरालजिया, एनालजेसिक, ए टू जेड हर एक चीज़ हमें पता रहेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ कि जिससे सारी टर्म आपको पता हो जाए। अब मायल्जिया का मतलब समझ में आ जाएगा कि मांसपेशियों के दर्द की यहाँ पर बात किया जा रहा है, समझ गए ना आप लोग। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं ओटालजिया। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सअप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ओटालजिया का मतलब क्या होता है, पेन इन ईयर। अगर किसी के कानों में दर्द हो रहा है तो कानों के दर्द को ओटालजिया बोला जाता है। तो पेन इन ईयर इज कॉल्ड एज ओटालजिया। इस टर्म को जरूर ध्यान रखना, हमेशा आपको जानकारी इसका रहना ही चाहिए। गैस्ट्रालजिया का मतलब क्या होता है, पेन इन स्टमक। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। अब पेट में दर्द क्यों होगा, पेट में गैस बन जाता है तो कभी कभी दर्द होने लगता है ना, तो ऐसे समझिए गैस्ट्रालजिया मतलब गैस कहाँ बनता है, पेट में बनता है, तो पेट में दर्द की बात हो रहा है यहाँ पर, समझ गए। तो ये बातें होता है, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको बोला जाता है गैस्ट्रालजिया। उसी तरह से डिस्मेनेरिया की बात कर लेते हैं। डिस्मेनेरिया का मतलब क्या होता है, डिस्मेनेरिया दोस्तों, ड्यूरिंग द मेंसुरेशन फीमेल हैज पेन लोअर एब्डोमेन इज कॉल्ड एज डिस्मेनोरिया। मतलब महिलाओं के मासिक धर्म के समय जब पेट के निचले वाले हिस्सों में, इस एरिया में जब दर्द होता है, मासिक धर्म में पेट के निचले वाले हिस्सों में जब यहाँ पर दर्द होता है तो उस दर्द को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिस्मेनोरिया बोला जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये टर्म भी समझ में आ गया होगा कि डिस्मेनोरिया का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर किसी को एक भी पॉइंट का डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आना और जरूर वीडियो को रिपीट करके एक बार पढ़ लेना, ना समझ में आया तो जरूर बताना। चलिए पायोडर्मा का मतलब क्या होता है, ये भी एक टर्म समझ लीजिए आप लोग। देखिए पायोडर्मा यहाँ पर क्या है, डर्मा, और डर्मा हमारा DERM डर्म से मिल करके बना हुआ है, और डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन, त्वचा के बारे में बात किया जा रहा है। तो पायोडर्मा का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पस इन दी सुपरफिशियल आप स्किन इज कॉल्ड एज पायोडर्मा। जब कभी कभी हमें मान लीजिए चोट लग जाता है, कहीं पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से त्वचा के, जो हमारा त्वचा होता है, स्किन होता है, उसके ऊपरी वाले भाग में पस का बनना, मवाद बनने लगता है, तो उसको बोला जाता है पायोडर्मा। जैसे कि इमेज भी देख लीजिए, चोट लगा, ये पक गया, इसका इलाज हम लोग नहीं किए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह से मवाद बनने लग गया, तो इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि चोट लग गया, घाव बन गया, दवा दे दीजिए। इसको मेडिकल के टर्म में क्या बोला जाता है, इसको मेडिकल के टर्म में पायोडर्मा बोला जाता है। आई होप ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक छोटे छोटे टर्म हैं जो कि आपको दिमाग में बैठाना है। बस अगर आपको कुछ नहीं याद होता है तो छोटा सा एक कॉपी लेना, कॉपी में लिख देना पायोडर्मा, पायोडर्मा लिखने के बाद तुरंत लिख देना फॉर्मेशन ऑफ पस इन द स्किन, मतलब हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो उसके आगे पायोडर्मा के आगे लिख देंगे त्वचा के ऊपरी भाग में पस का बनना, वो पायोडर्मा होता है। उसी तरह से और जान लेते हैं ल्यूकोडर्मा आप क्या होता है, ल्यूकोडर्मा को विटिलिगो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विटिलिगो बोला जाता है ल्यूकोडर्मा को। ये क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट से रिलेटेड बीमारी होता है जो कि रिमूव कर देता है त्वचा को। अब देखिए
त्वचा के कलर को ये ऐसे रिमूव कर देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसको लोग देहात में चरक उरक भी बोलते हैं। इसमें हमारा त्वचा इस तरह से वाइट वाइट हो जाता है। यह पिगमेंट जो होता है त्वचा से जुड़ी समस्याएं होती है। इसमें हमारा जो त्वचा का कलर होता है वो गायब हो जाता है और सफ़ेद सफ़ेद हो जाने लगता है, जिसको गाँव में लोग चरक बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये होता है त्वचा का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, चकत्थेदार बन जाता है। तो ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेडिकल की भाषा में कि इनको ल्यूकोडर्मा हो गया है। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहना आप लोग। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, इतना गले फाड़ फाड़ के वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ ही नहीं आता है, माइक कभी कभी उल्टा सीधा लग जाता है। तो ये सारी छोटे छोटे दिक्कतें देखी जाती हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हिस्टेरोडाइनिया। अब हिस्टेरोडाइनिया का मतलब क्या होता है? पेन इन यूट्रस, यूट्रस के दर्द को, यूट्रस अर्थात जो गर्भाशय में दर्द होता है उस दर्द को हिस्टेरोडाइनिया कहा जाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इस एरिया की दर्द की बात कर रहे हैं। चलिए कुछ और भी टर्म के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि हिस्टेरोकॉमी। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि रिमूविंग करने का काम करता है यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ओवरी। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, महिलाओं के गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं हिस्टेरियोक्टोमी, हिस्टेरियोक्टोमी बोला जाता है इसको। चलिए हम बात कर लेते हैं नेफ्रेक्टोमी के बारे में। ऐसे ऐसे टर्म होते हैं, देखिए नेफ्रेक्टोमी लिखा मिल जाए तो क्या समझ पाएंगे? अगर एक बार देखे रहेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन वैसे आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए नेफ्रेक्टोमी लिखा गया है यहाँ पर। अब नेफ्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है? इट इज ए प्रोसीजर विथ सर्जरी ऑफ किडनी ओ आर रिमूव रीनल कैलकुलस या फिर ट्यूमर कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किडनी की सर्जरी की जाती है, किडनी की पथरी हो गया, ट्यूमर हो गया, उसको सीधा सीधा बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी। समझ गए? तो चलिए हम बात करते हैं अगले के बारे में। अगला जो टर्म है वो है कोलेसेक्टोमी। कोलेसेक्टोमी जो होता है ये एक ऐसी प्रोसीजर होता है जिसमें गॉल ब्लैडर का सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं कोलेसेक्टोमी। समझ में आ गया ना आप लोगों को? और भी समझ लेते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस एक ऐसा डिजीज होता है जो कि जोड़ों के कारण होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हड्डियों के जोड़ों में दर्द देखा जाता है, जोड़ों में इस एरिया में दर्द देखा जाता है, जिसको बोला जाता है अर्थराइटिस। समझ में आ गया? तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले टर्म के बारे में, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल। जो हमारे सांस का नली नहीं होता है वो इस तरह से क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ये तो नॉर्मल होता है, और ये इस तरह से सिकुड़ जाएगा तो हम आसानी से सांस अंदर बाहर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जब ये सिकुड़ जाएगा तो आसानी से सांस को अंदर बाहर नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। तो ये सूजन की वजह से होता है। ये बातें हो गई। कार्डियाटिक्स का मतलब क्या होता है? कार्डियाटिक्स मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, मतलब जो हमारा हृदय होता है उसमें सूजन बन जाना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्डियाट्रिक्स। समझ में आ गया? नॉर्मल हार्ट हमारा ऐसा होता है, अब इसी में स्वेलिंग हो जाएगा तो इसको पेडियाट्रिक्स बोला जाएगा, कार्डियाट्रिक्स बोला जाएगा, यही सारी चीज़ इनको बोले जाते हैं। जैसे कि सर्विसाइटिस का मतलब क्या होता है? सर्विसाइटिस का मतलब होता है, सर्विसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस इन दी सर्विक्स पार्ट। सर्विसाइटिस का अर्थ यह होता है कि यूट्रस के सर्विक्स वाले भाग में सूजन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस बोला जाता है। अब कोलेसाइटिस का मतलब क्या होता है? कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन इन दी कोलान पार्ट। तो कोलान वाले भाग में, इंटेस्टाइन में जो सूजन हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, कोलाइटिस बोला जाता है। और लास्ट समझ लेते हैं सिस्टाइटिस के बारे में। सिस्टाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सिस्टाइटिस का अर्थ होता है जब कभी भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर जो हमारा होता है, पेशाब का थैली जो होता है वहाँ पर सूजन हो जाना, उसको बोला जाता है सिस्टाइटिस। इंट्राइटिस का मतलब क्या होता है? इंट्राइटिस का मतलब होता है इंटेस्टाइन में सूजन हो जाना, तो इंटेस्टाइन के सूजन को इंट्राइटिस बोला जाता है। और गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं? व्हेन इन्फ्लामेशन आर स्वेलिंग इन दी स्टमक इट इज गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब हमारे पेट से संबंधित बात किया जाता है, तो हमारे पेट में अगर सूजन बन गया है, गैस बन गया है, तो उसको गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। और एक बात समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आए हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। अब वहाँ पर क्यों जुड़ना है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर भी अपलोड करते रहते हैं, शायद वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल जाए, तो जरूर आप लोग वहाँ पर जुड़ना। और आज का वीडियो यहीं पर होता है।
कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक मेंशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।